बीजेपी विधायक बंशीधर भगत के बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो रहा है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने बंशीधर भगत के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी नारी शक्ति के नाम पर राजनीति करती है। विधायक बंशीधर भगत के बयान से बीजेपी का असली चेहरा उजागर होता है। उन्होंने कहा कि बंशीधर भगत को नारी शक्ति और भगवान से माफी मांगनी चाहिए। वहीं उनके बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भी गलत बताया है। बीजेपी नेता जोशी ने कहा कि उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जहां हमेशा कहा है कि हम नारी का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, और वहीं हमेशा धार्मिक रूप से राजनीति करने का काम किया है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उनके सम्मानित विधायक हों या उनके मंत्री हों, उनके द्वारा जिस तरह का सभा के माध्यम से या अपने वक्तव्य में बयान दिया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी हल्द्वानी के हमारे कालाढूंगी के विधायक माननीय बंशीधर भगत जी ने जो बयान दिए और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि किसी को भी समाज के अंदर इस तरह का अधिकार नहीं है हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलें, लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में शायद उस विषय को बोला, उन्होंने कल मीडिया के सामने आकर के माफी भी मांगी है कि मेरे से गलती हुई है और मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा विषय मेरे संज्ञान में आया है।